वेलकम टू वर्सेस किचन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पाव भाजी की रेसिपी, जो बिल्कुल मार्केट जैसी बनेगी, जिसका कलर भी रेड होगा और बहुत ही टेस्टी बनेगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं पाव भाजी बनाना। पाव भाजी बनाने के लिए मैंने लिया है 500 ग्राम फूल गोभी, इसे जरूर डालें, इसके बिना पाव भाजी नहीं बन सकती। 300 ग्राम मैंने लिया है लौकी और 4 से 5 आलू लिए हैं और आधा किलो मैंने लिया है कद्दू, ये ऑप्शनल है, इसे आप अगर डालना चाहें तो डालें, ना डालना चाहें तो ना डालें। और 150 ग्राम मैंने ये फ्रोजन मटर लिया, अगर आपके पास हरी मटर है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। पाव भाजी बनाने के लिए मैंने लिया है 2 चम्मच देसी घी, आप इसकी जगह पर बटर भी यूज़ कर सकते हो, और 1 चम्मच अदरक ग्रेट किया हुआ, 1 चम्मच लहसुन ग्रेट किया हुआ, और 1 हरी मिर्च जिसे मैंने बारीक काट लिया है, और 2 बड़े प्याज का पेस्ट है, और 250 ग्राम टमाटर लिए, इनका भी मैंने पेस्ट बना लिया है। पाव भाजी बनाने के लिए मैंने मसालों में यूज़ किया है 1 चम्मच जीरा, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, नमक मैं यूज़ करूँगी 1.5 चम्मच, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, थोड़ी सी हींग, 1 बड़ी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच गरम मसाला, 3 से 4 चम्मच मैंने यूज़ किया है पाव भाजी मसाला। अगर आप पाव भाजी मसाला घर पे बनाना चाहते हो तो जिसकी वीडियो मैंने बना रखी है, जिसका लिंक वीडियो के नीचे है। पाव भाजी को मैं 2 स्टेप में बनाऊंगी, फर्स्ट स्टेप में हम इसे बॉयल कर लेंगे सब्जियों को, और सेकंड स्टेप में हम इससे भाजी तैयार करेंगे। तो चलिए हम सब्जियों को कुकर में बॉयल करने के लिए रख देते हैं। आलू डालेंगे, मटर भी डाल लेते हैं, और इसमें हम 2 से 3 ग्लास पानी रख के इसको बॉईल कर लेंगे। इसे हम 2 से 3 सीटी आने तक बॉईल कर लेंगे। भाजी बनाने के लिए सब्जियों को हमने उबाल लिया है, इसे हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। देखिए सब्जियों को हमने बाउल में निकाल लिया है, इसे हम मैशर की सहायता से मैश कर लेंगे। सब्जियों को हमने मैश कर लिया है, अब हम इससे भाजी तैयार करेंगे। भाजी बनाने के लिए मैंने कढ़ाई को गैस पर रख दिया है, और अब हम इसमें ये देसी घी डाल देंगे, आप चाहो तो इसकी जगह पर बटर भी यूज़ कर सकते हो। देखिए घी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, तो इसमें हम ये जीरा डाल देते हैं, हींग भी डाल देते हैं, और जो अदरक लहसुन और हरी मिर्च हमने लिए थे इसको भी डाल देते हैं। इसको हम अच्छे से भून लेंगे। देखिए अदरक और लहसुन हमारा अच्छे से भून गया है, तो अब हम इसमें डालेंगे ये प्याज, देखिए प्याज हमारी अच्छे से भून चुकी है, अब हम इसमें ये टमाटर का पेस्ट लिया था उसको डाल लेंगे, और इसे भी हम प्याज के साथ अच्छे से भून लेंगे। देखिए टमाटर हमारे अच्छे से भुन चुके हैं, तो अब हम इसमें ये मसाले ऐड कर लेंगे, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला और 2-3 चम्मच पाव भाजी मसाला, इन्हें भी हम अच्छे से भून लेते हैं। देखिए मसाले हमने डाल लिए हैं, इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के इस मसाले को बहुत ही अच्छी तरह से भूनेंगे, जिससे हमारी भाजी का कलर बहुत ही रेड आएगा। देखिए मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है, देखिए कितना अच्छा इसका कलर आ गया है, तो अब हम इसमें ये सब्जी, बॉयल सब्जी को ऐड कर देंगे और नमक ऐड कर देते हैं। देखिए बॉयल सब्जी को हमने इसमें डाल दिया है, इसे हम मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए सब्जी हमारी बॉयल होने लगी है, तो हम इसमें ये नमक ऐड कर देंगे। भाजी हमारी तैयार है, इसे आप 5 मिनट तक और पका लीजिए, तो फिर ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब हम पाव को सेकेंगे, सबसे पहले इस पर बटर डाल देते हैं। पाव को आप मीडियम गैस पर ही फ्राई करें, वरना आपके पाव जल जाएंगे और इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा।
पाव भाजी हमारे बनकर तैयार है। देखिए कितना अच्छा कलर आया। जिन लोगों की शिकायत थी कि पाव भाजी का कलर रेड नहीं आता, तो देखिए अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो पाव भाजी का कलर बहुत ही अच्छा आएगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।